आज दिखाने वाले हैं एक अनोखी बीमारी जो कि एक नॉन लिविंग चीज़ के इन्फेक्शन से होती है। ज़्यादातर हम सोचते थे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इन्फेक्शन करते हैं, पर अब साइंटिस्ट लोगों को पता चला है कि प्रोटीन्स भी इन्फेक्शन करते हैं, उन्हें प्रियॉन बोलते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड जो कि एक केमिकल मॉलिक्यूल है ये भी इन्फेक्शन कर सकता है, और इसे वीरियोइड बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस बीमारी को। कब जाना है आपको? मेरा कल का टिकट। कितना? 50% कम हुआ लगभग। जो पहले निकल रहा था वो तो बिल्कुल बंद ही हो गया। दाना भी देखिए, पहले दाना दाना था, दाना पूरा खत्म हो गया। कालापन भी थोड़ा खत्म हो गया है। अभी जो ज्यादा मोटा है वही कालापन है। लगभग 40% तो सब खत्म, 60% अभी बचा। कब, कितने दिन का लिखे हैं आप, कब आएंगे? ये एमिलॉइडोसिस है। एमिलॉइड दरअसल एक तरह के एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं जो कि गलत फोल्डिंग से बन जाते हैं। तो ये मिस फोल्डिंग से बने हुए प्रोटीन्स को प्रियॉन्स बोलते हैं, और इनमें इन्फेक्शन करने की क्षमता होती है। इनमें कोई जान नहीं होती है, लिविंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं, बल्कि केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये जब भी शरीर में आते हैं तो अपने आसपास के प्रोटीन्स को उसी तरीके से मिसफोल्ड कर देते हैं जैसे ये खुद ही मिसफोल्ड होते हैं। तो आसपास के सारे प्रोटीन के ग्रुप्स को एमिलॉइड कहते हैं, और ये एमिलॉइड जम जाता है स्किन में भी और आसपास के इंटरनल ऑर्गन्स में भी। यहाँ स्किन में ये जमी हुई लेयर्स को हम लोग दवाइयों के ज़रिए और पीलिंग्स के ज़रिए ऊपर से हटा देते हैं। कुछ मेडिसिंस होती हैं जो अंदर से प्रियॉन्स के एक्शन को रोकती हैं, और इस तरह से एमिलॉइडोसिस ठीक होता है।